आप व्हाइट या ग्रीन चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। मैंने ग्रीन चार्ट पेपर लिया, उसको हमने कवर किया है यूएफओ की मदद से। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर शेप में कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर भी मैंने कवर किया उसके ग्यारह कंप्यूटर पेज से। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट नाम की, क्लोरोप्लास्ट की बात आई है, उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस होती है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा होता है और उसके बाद इधर आते हैं थायरॉइड मेम्ब्रेन। थायरॉइड मेम्ब्रेन ग्लैंड की मेम्ब्रेन होती है, ये दो ग्लैंड मिक्स हुए हैं, इनके दरमियान में लिक्विड होता है, लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। और इसके ऊपर ये जो बॉल आपको शो हुए हैं ये ब्राउन ब्राउन कलर के, इसको क्लोरोफिल और पिगमेंट कहते हैं। और ये ग्लैंड है, ग्लैंड छोटी छोटी प्लेट से मिलकर एक ग्लैंड बनता है और एक प्लेट को ग्लैंड कहते हैं और सारे प्लेट्स को ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड के ऊपर ये जो बॉल है इनको भी क्लोरोफिल और पिगमेंट कहते हैं। ये जिससे एक साथ अटैच है उसको इंटरग्लैंड कहते हैं और ये हर प्लेट के अंदर लिक्विड होता है। और उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है क्लोरोप्लास्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तुसा कैसर, आई एम इन क्लास 6 और टुडे आवर फोर्थ प्रोजेक्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ नॉन ऑर्गेनिक व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमने एक थर्मोकोल शीट ली है, इसके ऊपर हमने कवर किया ग्रीन चार्ट पेपर से और इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर शीट का एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पेज लगाया है, ऊपर ये येलो कलर का कंप्यूटर पे दिया है। इसके ना दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये हम इसको कहते हैं ग्लैना, और ये ग्लैना का एक टाइप है थायरॉइड मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसके ऊपर जो आप छोटे सारे बॉल शो करवाए हैं सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं और एक दिन जिसके हमारे यहाँ ये अंदर हमने शो करवाया ग्रहणा। ये ग्रहणा इसको ना हम जोड़ा हुआ है इंडर ग्रहणा के साथ, इंडर ग्रहणा के साथ अभी हमारे ना ये छोटे छोटे पास शो करवाए हैं। ये सारी प्लेट मिलकर ये एक ग्रहणा बनी है और इसके हम अंदर जो हमारी प्लेट है उसमें अंदर जो हमारे लिक्विड होता है स्ट्रॉन्ग है। सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इसकी वजह से हमारा पूरा प्रोसेस